जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सारे दोस्त भैन भरा बिल्कुल ठीक ठाक हसन है जी। डडियाल टीवी नाल मेरा मेज़बान इदरीस आज़म अज मौजूद हाँ। ज़िला कोटली ना खूबसूरत इलाका है जी राजधानी, और राजधानी ने अंदर एक खूबसूरत जहाँ कब्रस्तान है। राज साहब कदम इधर मारसो तुम नज़र अच्छी है कि खूबसूरत जहाँ कब्रस्तान जरा राजधानी ने अंदर मौजूद है। बिल्कुल मेन रोड है जरा कोटली जानी, और कोटली ने नाल ही जरा नहीं है रोड है पर एक कब्रस्तान मौजूद है। अचने जाने ले इस कब्रस्तान की तकने, और इस कब्रस्तान की तकने नहीं वजह यह है कि वो सोचने के पार्क है, क्योंकि इतना इसना मेंटेनेंस के इतना ख्याल रखा गया, खूबसूरत इतना तर्ज ना बनाया गया कि पाकिस्तान ना जरा मीडिया है बड़े बड़े चैनल है उन्हें अच्छी तरह कवरेज की है। अज रमज़ान ना महीना सा बबरकत था, दिन भी इजी सा था। मैं राशिद साहब होना की बारिश हुई तो जुलने कब्रस्तान ने भी कवरेज करने है। बाकी जुलने राशिद साहब तुम्हें अंदर दसने कब्रस्तान ना व्यू, और मुकम्मल जी ने इतनी तफसील दसने कि आज जी सादक मरहूम कौन से कदू उन्हें शुरू किया है, हूँ इसने ख्याल कौन रखी रहा। राशिद साहब आई जसो मेरी रूह जा का करार था, मेरी ख्वाहिशों का वकार था। ये कड़कती धूप है जिंदगी, वो शजर के सायादार था। वो नहीं रहे मेरे पास अब तो ये उलझनों में है जिंदगी। वो थे जिंदगी मैं तो जिंदगी, मैं फकत सकूनो करार था। वो जुदा हुए तो खिजाओं ने मुझे शाख शाख तही किया। मेरे साथ थे वो तो हर चमन की रविश, तिरंगे बहार था। जी बिल्कुल नाजरीन साढ़े नाल मौजूद है जी नज़ीर साहब, और बाकी ये तफसील जी है इन्होंने को पूछने हैं, क्योंकि मकामी ही है ये असें बेहतर अंदाज नाल दसी सकने। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम सर, क्या ठीक हो? सही ठीक है, अल्लाह का शुक्र है सर। रमजान कैसा गुजरी रहा पहले? बहुत अच्छा गुजरी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत कब्रस्तान है जी। असा तक आया आसानी तक आया, माशाल्लाह काफी जड़े अच्छे गुजरने ले नाजरीन, वो भी तकने जेड़ा भी इसकी तकना है अपना गड्डी वै मोटरसाइकिल वै रोकना है पहले इतना अच्छी हाजिरी देना है। दसो कि अज सादक साहब कौन से? अज सादक साहब ने कब्र आया है, इन्होंने बेटे ने चौधरी फाजल सही है ते एक कप्तान उन्हें बनाया। ये तकरीबन 18 तो 20 साल हो गए कप्तान बनया। सही है, बिल्कुल पहला नाला होना चाहिए सारा, ये सारे की फील्ड सारी भराई हुई है। कब्रस्तान बनाया जनाब, माशाल्लाह खूबसूरत कब्रस्तान बनाया है, माशाल्लाह जबरदस्त। एक कब्रस्तान जरा से बुजुर्ग जिसल जी सादक साहब मरहूम है वो हयात से जिंदा से जिसल कब्रस्तान उसलै प्राइस रही किसी लेवल के था उसलै, मतलब उन्हें बुनियाद रखी होनी रखी थी चौधरी सादक साहब ने बुनियाद रखी थी। उसने बाद फिर उन्होंने औलाद जी है फिर चौधरी फाजल साहब ने कब्रस्तान बनाया। 18 तो 20 साल हुए ने जबरदस्त। दो माली हैं जिन्हें कि 30-30 हज़ार रुपया तनखा देने, 60 हज़ार महीने की तनखा है। सही है, तो उस तो अलावा जनाब ये हर सीजन जो फुल अच्छा है, दो सीजन फुल अच्छा है, ठीक है, 4-4 लाख ना फुल अच्छा है, ठीक है, ये सीजन अस्त फुल लाने थे। माशाल्लाह जी खूबसूरत तरीके का कहना यार बूटा जरा असं दरख्त कीमती कीमती नजर आई रहा। तो बाकी माशाल्लाह जी ऐसा कब्रस्तान जरा अस अजे तक नहीं तक है कोई पूरे पाकिस्तान ही। बिल्कुल सही गल है, बिल्कुल सही गल है, बिल्कुल। माशाल्लाह दो कब्रस्तान उन्होंने अपने नले च शुरू किए, वो इंशाल्लाह सोई दसा जल्दी दे जबरदस्त जी। बाकी है कि उन्होंने इलाका है उसना भी अस इंशाल्लाह जा सकते हैं विजिट कर सकते हैं। अगर नला है उत्थे भी माशाल्लाह एक तक कब्रस्तान ही नहीं इतना बनाया, उत्थे भी अपने इलाके च ही दो कब्रस्तान शुरू कब्रस्तान शुरू किए जी। बिल्कुल राज साहब अगर अच्छे तक दसने कि एक तो अज मोहम्मद सादक साहब होनी कब्र है, अगर कब्र जरा अस और भी नजर आई रही इन्होंने बारे में पूछा इन्होंने मोहतरम जी हजरात भी दसो कि यह जड़ियाँ कब्र कुछ नहीं है कुछ बंदे इत्थे मकामी दी कब्रां ठीक है
एक कबर और बारस कबर सी बात जो साल दो साल तो बाद पता लगा सही कि वो साइड कबर उस बंदे उन जिला था ए उन तक की जिला कबर नोका इस ऊपर जी कड़ी जगह चके लपसी उन नफर इथे दुआशवा मंगी है सही 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 जी बिल्कुल ए बाकी जेडे इथे ग्रह नहीं सारे ग्रह ने ग्रह ने बंदे तो सुनया सा क्योंकि वीडियो अक्सर तकिया है ना तो सुनया था कि लावारिस जेडे बंदे उन वस्त्र भी कब्रिस्तान मौजूद है कि अगर कोई बंदा फोत हो जाए इसकी दफनाई सकने दफनाई सकने था बिल्कुल ठीक है जबरदस्त उसका कब्र ने खर्चा सारा उन्होंने इथे आपो इथे जेडी कब्रिस्तान इंतजामिया हुआ देसी माशाल्लाह जी ये भी बड़ा अच्छा इकदाम है ऐसा इकदाम है उन्होंने कि गुल्ला वारिस है अगर कोई बंदा जिसने कोई वारिस शारिस नहीं है उत्थे उसकी दफनाई सकने माशाल्लाह जी इसने कब्र ने खर्चा सारा चौधरी फासिल साहब कर जजाक अल्लाह बाकी तुम मजीद वीडियो इंजॉय करो है क्योंकि शाम ना टाइम है तो इंशाल्लाह फिर जरा नहीं तुम एक नई वीडियो मिल सकता रमजान ना टाइम है रोजा अफ्तारी ना तफसील इंशाल्लाह फिर कुछ दिन आया तो तफसील जरा नहीं तुम्हें दस जजाक अल्लाह बहुत बाजुओं में थी हर खुशी वही सीना था मेरी जिंदगी इन्हीं बाजुओं में थी हर खुशी वही सीना था मेरी जिंदगी कोई छू न सकता था गम मुझे कि वो कैसा खूब हिसार था वालिदे मेरे सारे खेल खिलौने थे जो अगरचे उनके ही दम से थे मेरी कामयाबियों इज्जतों में उन्हीं का दस्ते वकार था जहाँ गुल खिले थे मुसर्रतों के वो चेहरा कितना हसीन था जहाँ दफन रहता हर एक गम भला किस तरह का दियार था वालिदे मोहतरम वालिदे तू उन्हें माफ करके हमेशा उनकी हो रूह पर तेरा रहम इतना के जिस कदर उन्हें मेरी जान से प्यार था मेरे मौला तू उन्हें माफ करके हमेशा उनकी हो रूह पर तेरा रहम इतना के जिस कदर उन्हें मेरी जान से प्यार था रब्बी फिर ली वाली वालिदैया।